हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? मैं ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक ठाक ही होंगे। और अभी मॉर्निंग का टाइम है और अभी जस्ट मैंने सो के उठी हूँ अभी, और उठने के बाद तो यही सब काम होते और कंबल वगैरह को भी। और आजकल वैसे तो ज़्यादा ठंड नहीं हो रही है, लेकिन ना फिर भी पंखा लगा के मैं सोती हूँ तो इसलिए थोड़ा सा ओढ़ना पड़ता है। तो अभी मैं दरवाज़े को भी लॉक करके सोती हूँ, तो अभी मैंने खोला है। अभी टाइम हो रहा है सुबह का, 6 बज रहे हैं अभी, और आज तारीख है 2 तारीख है आज तो बस। और दिन है आज सोमवार का दिन है, और अभी मैं आई हूँ बैक साइड पर जहाँ पे हमारी पानी की टंकी है। तो उठने के बाद तो यही होता है कि मुंह अच्छे से धो लो, और उठने के बाद अगर मुंह ना धो ना तो अच्छा नहीं माना जाता। तो उठते ही मैं पहले अपना मुंह धोती हूँ, और यहाँ पे मैं, आप देख सकते हो थोड़ा सा अंधेरा सा ही दिख रहा है, पूरा सुबह भी नहीं हुआ है। तो अभी रात के कुछ, जब मैं बर्तन धोती हूँ ना, तो जो भी कुछ मतलब होता है चावल जिसमें मैं धोई हुई होती हूँ, या फिर कुछ गंदा पानी होता है जो कि मैं बाल्टी में रखी हुई होती हूँ और सुबह को ही फेंकती हूँ, तो बस उसको फेंका है। और अभी मैं आई हूँ अपनी बैक, सॉरी, बाहर साइड, बाहर मतलब हमारे घर के बाहर के आंगन है ये, जहाँ पे सुबह सुबह झाड़ू करना होता है। तो दीदी झाड़ू कर रही हैं तो मैं आ गई हूँ रूम पर, और जो पहले उठता है वो झाड़ू कर लेता है, या दीदी हो या फिर मैं हूँ। तो अभी मैं ये किचन का जो है झाड़ू कर लूँगी, फिर घर आंगन सबका झाड़ू करूँगी। और घर आंगन का झाड़ू करने के बाद मैं आई हूँ बैक साइड पर जहाँ पे पेड़ हैं, आप देख सकते हो बहुत सारे पेड़ हैं, और उसी पेड़ के वजह से ही ये सब पत्ते वगैरह गिरे हुए होते हैं जिनको सुबह सुबह मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। और बस, और इसीलिए मैं ना सुबह सुबह जो है, जब मुझे लगता है कि इसको जलाना चाहिए, जब ज़्यादा हो जाता है तभी मैं इसको जला लेती हूँ, जो पत्ते वगैरह होते हैं उसको, तो साफ़ हो जाता है। तो अभी मैं सारे 3-4 जगह पर मैंने पत्तों को समेट कर रखा है, आप देख सकते हो झाड़ू कर कर इकट्ठा ही मैंने इसको रखा हुआ है, ताकि जब हो, जब मतलब सूख जाए पत्ते तब मैं इसको जला दूँ। तो अभी मैं ब्रश कर रही हूँ, और ब्रश करने के बाद तुरंत ही मैं नहा भी लूँगी, क्योंकि यहाँ पे जो भैया आए हुए हैं, भैया लोग आते जाते रहते हैं, और हमारे ना यहाँ यहाँ पे ही हम लोग नहाते भी हैं, और उधर और एक बाथरूम है जहाँ पे हम नहाते हैं, लेकिन ना यहाँ पे क्या होता है ना, गर्म पानी देता है, तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादा पसंद आता है नहाना, तो इसीलिए हम लोग यहीं पे ही नहाते हैं। और जब भैया लोग आते जाते हैं ना तो नहीं होता है नहाना यहाँ। तो अभी मैं अपना मुंह जो है पोंछ लेती हूँ, और मैं नहाने से पहले ना अपना कंघी करती हूँ और फिर जाके नहाती हूँ। तो और मेरी सासू माँ कहती हैं कि पहले कंघी करना फिर नहाना, तो किसी भी खाने पीने के चीज़ में ना बाल नहीं गिरते हैं फिर, तो इसीलिए मैं ऐसे ही करती हूँ। तो बस अभी मैं नहा के भी आ चुकी हूँ, और नहा के आने के बाद मैं अभी थोड़ा सा बॉडी लोशन लगा रही हूँ, और उसके बाद थोड़ा सा पाउडर क्रीम लगा लूँगी, सिंदूर वगैरह बिंदी वगैरह लगा लूँगी, और फिर पूजा भी कर लूँगी। पूजा करने के बाद, कपड़े सुखाने के बाद फिर मैं जाऊँगी किचन में, कुछ नाश्ता बनाऊँगी। और 2-3 दिन हो गया है मैंने बस जो मुर्रा होता है ना वो खा रही हूँ नाश्ते में, तो आज मैंने सोचा कि रोटी सब्जी बनाऊँगी, सोच तो रही हूँ, देखती हूँ क्या होता है। और आप लोग हमेशा बोलते हो मुझे कि सिंदूर तो लगाते हो, फिर जो गले में सिंदूर क्यों लगाते हो? तो मेरी मम्मी लगाती है, तो इसलिए मैं भी लगा लेती हूँ मम्मी को देखकर। और मैंने थोड़ा सा लिपस्टिक लगाया है, मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा हो गया, तो उसको पोंछ भी रही हूँ, और अपनी साड़ी में ही पोंछ लेती हूँ मैं, और दूसरा कपड़ा नहीं ले रही हूँ, और ऐसा ही करती हूँ मैं, इतना कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं देती हूँ इस सब में मैं। तो बस अभी हो गया मेरा तैयार होना, तो अभी पूजा करूँगी। और कंघी करने के बाद मैंने इस तरह से क्लचर लगा लिया था, नहाने गई थी ना मैं, तो इसीलिए
तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में और मैं अभी रोटी बनाऊंगी, तो इसलिए मैं आटे को निकाल रही हूँ, आटे को गूंद लूँगी और फिर कुछ मुझे ना सब्जी बनाने हैं और सब्जी के साथ ही मैं आज रोटी लूँगी क्योंकि चाय नहीं बना रही हूँ और रोज़ रोज़ ना वही नाश्ता करना अच्छा नहीं लगता। और मैं जो मुड़ रहा है ना वो 3-4 दिन लगातार ही मैंने खाया है नाश्ते में, तो इसीलिए मुझे आज बिल्कुल मन नहीं है वो खाने की। तो मैंने सोचा रोटी सब्जी बनाऊंगी और खाऊंगी। और रोटी में ज़्यादा ही आटे को मैंने ज़्यादा गूंथ लिया है क्योंकि दोपहर के लंच में भी मैं इसको ले लूँगी, तो इसीलिए। तो चलिए गाइस मैं गूंथ लेती हूँ और फिर आलू टमाटर की सब्ज़ी भी बना लेती हूँ और फिर मैं आप लोगों से बात करूँगी। मैंने सारे सब्जी को काट लिया है, अभी मैंने कुकर भी चढ़ाई है और मैं यहाँ पे डाला है तेल, रिफाइन का तेल डाला है मैंने और इंडक्शन में ही बना रही हूँ मैं। तो अभी मैंने कुछ सरसों के दाने डाले हैं और कुछ ज़्यादा ही सरसों के दाने डाल रही हूँ मैं क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। तो कुछ जीरा भी डालूंगी और जीरा और सरसों जब मेरा तड़क जाएगा और उस टाइम में कुछ हरी मिर्च को भी काटा हुआ है तो उसको भी मैं अभी डाल दी हूँ। फिर कुछ प्याज डालूंगी, प्याज को अच्छे से मतलब फ्राई कर लूंगी, ज़्यादा रेड ब्राउन नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा ही फ्राई करूंगी। और अभी इसको अच्छे से मैंने फ्राई कर लिया है और बस अभी मैं इसमें डालूंगी टमाटर। और टमाटर को मैंने कुछ ज़्यादा ही लिया है ताकि मुझे अच्छा लगता है टमाटर जिसमें ज़्यादा रहता है सब्ज़ी में। और मैंने सोचा तो था कि सिर्फ टमाटर की ही बनाऊंगी चटनी टाइप का, लेकिन मैंने सोचा दोपहर के टाइम भी मुझे लंच में लेना है इसको, तो इसीलिए मैंने सोचा कि 2 आलू इसमें मिक्स कर देती हूँ। तो बस और इसीलिए मैंने इसमें 2 आलू भी काट कर डाले हैं। और अभी मैं कुछ सूखे मसाले ऐड कर रही हूँ जैसे कि जीरा, धनिया, हल्दी, मिर्च पाउडर और कुछ नमक, नमक भी डालूँगी स्वाद के अनुसार सॉरी नमक भी नहीं, नमक तो डालना ही डालना होता है। तो बस इस तरह के सूखे मसाले मैं रोज के सब्जी में जो कुछ डालती हूँ बस वही सभी डाला है। और कभी कभार ही मैं जब कुछ स्पेशल सब्जी बनती है ना तभी मैं पीस के मसाले डालती हूँ, नहीं तो फिर नॉर्मल जो भी हम लोग रोज के दिन में सब्जी बनाते हैं उसमें मैं मसाले का ही यूज़ करती हूँ, सूखे मसाले का। तो अभी नमक भी डाला है और अभी थोड़ा सा पानी भी डालूंगी ताकि मेरे जितने भी सूखे मसाले मैंने इसमें डाले हुए हैं उसको थोड़ा मतलब वो जल ना जाए इसी वजह से, और पानी ना डालो ना तो फिर सूखे मसाले जल जाते हैं। और अभी इधर मैं आटे को सारे जो लोइयां हैं वो बना लूंगी और फिर मैं इसमें डाली हूँ आलू और टमाटर मेरा भुन चुका था तो मैंने आलू को भी डाला है और उसी हिसाब से पानी डाला है जिस हिसाब से मुझे ग्रेवी चाहिए। तो अभी मैं रोटी भी बना लेती हूँ और मैं ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, 3-4 ही बनाऊँगी। और दोपहर के लिए भी मैंने ज़्यादा आटा लिया है, गूंद कर रख लिया है, तो उसको थोड़ा सा मैं गरम गरम उस टाइम बना कर खाऊँगी। तो अभी से नहीं बनाऊँगी, अभी से बनाऊँगी तो ना पूरा ठंडा हो जाएगा। तो बस इसी तरह से मेरा आज का सुबह का ब्रेकफास्ट हो रहा है। रोटी और सब्जी दोनों बना ली हैं। वैसे सब्जी मेरा अभी थोड़े टाइम के बाद ही होगा क्योंकि इसका जो लीड है वो मैं ओपन नहीं करूँगी क्योंकि थोड़ी देर के लिए मैं इसको रखने दूंगी जब। और बस नाश्ता करने के बाद कुछ बातें भी करनी है मुझे आप लोगों के साथ, तो कुछ बात भी करने वाली हूँ। तो अभी सब्जी भी बन चुकी है तो अभी मैंने इसका जो ढक्कन है उसको भी निकाल लिया है। अभी मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा गरम मसाला, और गरम मसाला आजकल मैं डाल रही हूँ, पहले नहीं डालती थी, आजकल डाल रही हूँ तो अच्छा टेस्ट आ रहा है, मुझे तो अच्छा लगता है।
हस्बैंड को उतना ज़्यादा नहीं अच्छा लगता, तो अभी मैंने हरा धनिया भी डाला है। और अभी मैं अपने लिए नाश्ता निकाल ली हूँ, 3 रोटी ली है और सब्ज़ी, और उसी के साथ मैंने जो है दूध को भी गर्म करने रख दिया है। मेरे नाश्ता करते करते दूध भी गर्म हो जाएगा और फिर मेरा सारा काम जो है फिनिश हो जाएगा। फिर मैं आराम से वीडियो एडिटिंग करूँगी और आप लोगों के पास बहुत ही जल्दी अपलोड करूँगी, आप लोग के पास बहुत ही जल्दी पहुँचाने की कोशिश करूँगी। बस गाइस, अभी ना मैंने अपना जो है नाश्ता ख़त्म किया है, और नाश्ता ख़त्म करने के बाद मैं आप लोगों से कुछ बात करनी चाहती थी, जो कि YouTube के बारे में ही है। और मैंने बहुत पहले कहा था आपको एक वीडियो में कि मैं थोड़ा सा ऊपर उठ जाऊं, फिर मैं सबकी हेल्प करूंगी। तो बस आज मैं उसी बारे में बात करना चाहती हूं कि बहुत लोग मुझे कमेंट करते हैं कि दी हेल्प कर दो, और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि नाराज़ होके गुस्सा होके चले भी जाते हैं, और बहुत सारे लोग हैं। और मेरे इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं कि दी आप हेल्प कर दो, रिप्लाई नहीं देते हो, ऐसे ऐसे। तो रिप्लाई मैं क्या दूँ, क्या बताऊँ आपको कि मैं नहीं कर सकती या फिर कर सकती हूँ, क्या बोलूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो आज मैं आप लोग को एक वीडियो ही बनाती हूँ और उसमें आपको बोलती हूँ जो भी मुझे कहना है। तो आज मैं इस माइक का यूज कर रही हूँ क्योंकि ना यहाँ पे थोड़े से जो मेरे भैया हैं, मेरे बड़े भैया जो मेरे हस्बैंड के, तो वो आए हुए हैं, तो थोड़ा सा साउंड सुनाई देता है ना, तो अच्छा नहीं लगता। तो मैंने सोचा चलो आज माइक का यूज करती हूँ। तो वही बात बोल रही हूँ मैं कि मैं अब से सारे जो जितने भी यूट्यूबर हैं ना, सबकी हेल्प करना चाहती हूँ। और ज़्यादा मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि सब लोग हेल्प मांगते हो और मैं किसी का हेल्प नहीं कर पाती, क्योंकि हम लोग भी इसी टाइम पे इसी तरह से गुजरे हैं, और इस टाइम का हमने भी फेस किया हुआ है, और हमें पता है कि कैसा लगता है, कितना बुरा लगता है अगर आप किसी को मैसेज करते हो कि हेल्प मांगते हो मैसेज करके, तो अगर वो उसका रिप्लाई नहीं देता है तो कितना बुरा लगता है, ये मैं समझ सकती हूँ। तो मैंने सोचा चलो आज से मैं आप लोगों को बता दूँ, एक खुशखबरी दे दूँ आप लोगों को कि मुझसे जितना हो पाएगा मैं आप सबकी हेल्प करूँगी और मैं कम्युनिटी पे भी शेयर करूँगी। तो आप लोग ना अपना जो लिंक है और दे देना मुझे, इंस्टाग्राम पर आके देना, मेरे कमेंट बॉक्स पर मत देना लिंक, शेयर मत करना, लेकिन इंस्टाग्राम पर आके ना अपना लिंक देना। मैं एक एक करके सबका लिंक जो है कम्युनिटी पे शेयर कर दूंगी, और ज़्यादा टाइम के लिए नहीं, बस आधे घंटे के लिए ही शेयर करूंगी सबका, और आधे घंटे के बाद मैं फिर डिलीट कर दूंगी। तो अगर आप लोग इस बात से सहमत हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, और मैंने कैसा सोचा है ये भी बताना, और मैंने ठीक सोचा है ना इस बारे में तो वो भी बताना मुझे। तो मुझे ना बिल्कुल, मैं भी चाहती हूँ कि आप सब लोग भी आगे बढ़ो, और बहुत सारे लोगों के बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं जिनकी वजह से वो लोग YouTube ज्वाइन करते हैं, क्योंकि जैसे मेरी एक परेशानी थी कि मैं अपनी मम्मी पापा को हेल्प करना चाहती थी, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको जिनकी मतलब ज़रूरत है YouTube में आना। और कुछ लोग कहते हैं शौक से आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो लोग कह देते हैं कि शौक से आते हैं लेकिन ना दो पैसे कमाने के लिए ही आते हैं YouTube पर, हर कोई आता है YouTube पर पैसे कमाने के लिए। तो बस वही मैं कहना चाहती हूँ आप लोगों से, और जो अभी न्यू क्रिएटर हैं, जैसे कि 1-2 महीना हुआ है ना, उन लोगों को मैं धीरे धीरे करूँगी हेल्प, लेकिन जो बहुत सालों से मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा महीने से, जैसे कि 6 मंथ 7 मंथ या फिर 1 साल होने वाला होगा, तो उन लोगों की मैं बहुत पहले हेल्प करूँगी, ताकि और वैसे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं वो लोग, और न्यू जो लोग भी हो आप लोग, तो वो लोग थोड़ा सा स्ट्रगल करो, तभी मैं स्ट्रगल करो, और स्ट्रगल के बिना ना लाइफ बेकार है। और आप लोग को भी पता चलेगा, जब आप लोग स्ट्रगल करोगे ना तभी पता चलेगा कि इसका मज़ा भी कुछ अलग सा आता है कि स्ट्रगल करके आगे बढ़ते रहो। तो और आप लोग को भी, इस पहले उन लोगों को हेल्प करती हूँ जो लोगों को बहुत ज़रूरत है और बहुत दिनों से वो लोग मेहनत कर रहे हैं,
तो पहले मैं उन लोगों को हेल्प करूंगी और उसके बाद मैं न्यू न्यू क्रिएटर जो हैं उनको हेल्प करूंगी। और बस यही कहना चाहती थी मैं आज की वीडियो में। जितने लोग भी यूट्यूब पर हैं ना, सब लोग ही मेहनत करते हैं, कोई भी बिना मेहनत के नहीं आता यूट्यूब पर। और बस ज़रूरत होती है ना, लोग कहते हैं कि अच्छा कंटेंट बनाओ तभी वीडियो वायरल होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर थोड़ा सा हाँ होता है ऐसा भी, लेकिन ना बहुत लेट हो जाता है, बहुत टाइम लगता है ये सब ग्रो करने में। वैसे वीडियो कौन खराब थोड़ी ही बनाता है, वीडियो तो सब लोग अच्छे ही बनाते हैं और अपने अपने हिसाब से अच्छा ही करना चाहते हैं सब लोग। लेकिन ना फिर भी ना चैनल ग्रो नहीं करता, वीडियो वायरल नहीं होते हैं, तो ऐसा भी होता है। और जिनके मैं और एक बात भी आप लोग को बता दूँ, जिनके ना घर पर यूट्यूबर होते हैं, जो लोग पहले से ही सक्सेस यूट्यूबर होते हैं, अगर उन लोगों के घर में कोई न्यू यूट्यूबर मतलब न्यू यूट्यूब पर वीडियो बनाना चाहे ना, तो वो उसको बहुत जल्दी सक्सेस मिल जाती है, क्योंकि वो लोग उसको प्रमोट कर देते हैं। और आप जितने भी दिनों से मतलब मेहनत करो या स्ट्रगल करो, कुछ फायदा नहीं होता है, वो लोग आपसे आगे बढ़ जाते हैं, तो ऐसा होता है। बस मेहनत तो सभी लोग करते हैं यूट्यूब पर, बस थोड़ा सा हमें उनको हेल्प करनी चाहिए, थोड़ा सा सहारा देना चाहिए। और सबको ही लगता है सहारे की ज़रूरत, सबको ही होता है, मुझे भी हुआ था और सपना दी ने मुझे भी सहारा दिया था, तो मैंने सोचा कि आप लोग को भी मैं हेल्प करूं और आप लोग को भी थोड़ा सा प्रमोट कर दूं, अपने कम्युनिटी पर आपकी वीडियोस को भी थोड़ा सा मैं शेयर कर दूं सबके। तो आप लोग मुझे अपना लिंक शेयर करना, वो भी मेरे इंस्टाग्राम पर। और आप लोग बहुत सारे लोग कहते हो ना कि दी हम कैसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं आपसे, तो मैं कह दूं आपको, मेरे इंस्टाग्राम आईडी है तनुजा D7, तो आप लोग इस आईडी पर मुझे कांटेक्ट करना इंस्टाग्राम पर, मैं सबका जो है एक एक करके सबको हेल्प कर दूंगी। तो चलिए बस यही कहना चाहती थी, और आज का मेरा वीडियो इसी बारे में था, बस मैंने थोड़ा सा अपना सुबह का रूटीन दिखा दिया है आप लोगों को। तो चलिए आज का वीडियो मैं एंड करती हूँ, और उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। और अगर आप लोग मुझे बताना कि मैंने कैसा सोचा है, ठीक सोचा है कि नहीं, और कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे, तभी मैं जान पाऊंगी कि आप लोग इस बारे में आप लोग की क्या राय है। तो चलिए गाइस आज का वीडियो एंड करती हूँ, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, शेयर करना। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।